हेलो गाइस होप आप सभी बढ़िया होंगे मैं स्टूडेंट किताब सभी का स्वागत करता हूँ एक आपसे नए वाले वीडियो में तो इस वाले वीडियो में आप लोगों का कल अलॉटमेंट आया था सेकंड का भी अलॉटमेंट आया है सेकंड अलॉटमेंट भी आया कुछ कोर्सेज का उस कोर्सेज का यहाँ पे थर्ड अलॉटमेंट भी आप लोगों का आ गया है अब काफ़ी सारे लोगों के जो आप लोगों के डाउट्स हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ पहला डाउट आप लोगों का है कि फोर्थ अलॉटमेंट आएगा कि नहीं आएगा तो फोर्थ अलॉटमेंट बहुत ही कम कोर्सेज के आते हैं जिनमें बहुत ही कम बच्चे एडमिशन ले रहे होते हैं मोस्टली लोगों का थर्ड अलॉटमेंट में आ जाता है उसके बाद आप लोग बहुत ही कम उम्मीद लगाइए कि फोर्थ अलॉटमेंट भी यहाँ पे आप लोगों का आएगा ठीक है तो एफिलेटेड कॉलेज में भी जो एफिलेटेड कॉलेज है मोस्टली गवर्नमेंट वाले उनमें भी सीट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हद तक फुल हो चुकी हैं तो उनका अगर आप लोगों का एडमिशन वगैरह चल रहा है तो उनमें से आप ज़रूर से बैकअप में रखिए और करवाई लीजिए मेरे हिसाब से तो क्योंकि फोर्थ अलॉटमेंट काफ़ी कम कोर्सेस का यहाँ पे आता है ठीक है इसके अलावा बात कर लेते हैं आप लोगों की जो थर्ड अलॉटमेंट आए हैं वो किन किन कोर्सेज के आए हैं और सेकंड अलॉटमेंट किन किन कोर्सेज के आए हैं तो थर्ड अलॉटमेंट आप लोगों का आया है बी का बी का और बी कॉम और बी ऑनर्स का तो बी कॉम में काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मेरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सात सौ तक रैंक है जनरल में तो उन सभी का कंफर्म हो गया होगा और आप लोगों के सीट अलॉटमेंट आपके पोर्टल वगैरह पे दिखने लग रहा है ठीक है तो आप वहां पे जाके कर सकते हैं और इसमें फीस जो आप लोगों को सबमिट करनी है वो तीन अगस्त तक फीस सबमिट करनी है काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे मैंने यू से कर दिया इसके बाद रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो एक हेल्दी एडवाइस यही रहती है कि यू से आप लोग ना करिए पेमेंट ठीक है पेमेंट फंस जाए बाद में कुछ भी हो जाए तो अगर आप लंबे से हैं यूनिवर्सिटी के मतलब लाइक दो सौ तीन सौ किलोमीटर दूर से हैं तो फिर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर होने वाली है ठीक है तो इसलिए आप कार्ड से कर दो तो भाई कार्ड सबके पास होते हैं ठीक है या फिर नेट बैंकिंग से कर दो जो भी आप लोगों के पास है ठीक है उससे आप लोग कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है और सेकेंड अलॉटमेंट यहाँ पर कन कन कोर्सेस के आए हैं तो वी वी ओ सी करके एक रिन्यूएबल एनर्जी का और एल एल बी इंटीग्रेटेड का भी आ चुका है और डी फार्मा का भी आ चुका है और बी एस सी बायो का भी आ चुका है यहाँ पे ठीक है बी एस सी मैथ की काउंसलिंग वगैरह पहले ही हो चुकी थी और बी एस सी बायो का भी ये सेकेंड वाला आया है तो इसकी भी लास्ट डेट आप लोगों की तीन अगस्त है अब काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे आंसर की वगैरह का तो उसका आंसर की आप लोगों की विद इन वीक आ जाएगी पी जी कोर्सेज वगैरह की ठीक है अगर कोई पी जी का बच्चा यहाँ पर देखने लग रहा है तो सेकंड अलॉटमेंट थर्ड अलॉटमेंट एंड कोर्सेज के आ चुके हैं बीए वगैरह का भी आएगा बीए का आप लोगों का जो सेकंड अलॉटमेंट होगा वो चार पाँच तारीख को ही आएगा क्योंकि उनकी भी लास्ट डेट आई थिंक ऐसी तीन अगस्त उनकी भी लास्ट डेट है करने की हाँ दो अगस्त शायद उनकी थी ठीक है तो तीन चार अगस्त तक उनका भी सेकेंड अलॉटमेंट वगैरह आएगा वेबसाइट पर तो आप लोग देख लेना अच्छे से और यही अपडेट थी यूजी एडमिशन की रिगार्डिंग और पीजी की सीरीज़ भी चलने लग रही है आप लोगों की कट ऑफ वगैरह की पी जी के आप लोगों के वीडियोज़ आ रहे होंगे धीरे धीरे करके और काफ़ी ज़्यादा लोग पूछने लग रहे थे एम बी ए वगैरह का तो उसका भी बता दूंगा हॉस्टल वगैरह इन सब पे वीडियोज़ आने वाले हैं ठीक है तो इससे कनेक्टेड मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में